नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने शुक्रवार को दोपहर में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से कृषि कानून का विरोध करते आ रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता संसद से एक बस में सवार होकर जंतर मंतर पहुंचे, जहां किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सांकेतिक किसान संसद का आयोजन किए हुए हैं। किसान संगठनों की मांग तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की है। किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचने वाले नेताओं में राहुल गांधी, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, शिवसेना के संजय राउत, राजद के मनोज झा, भाकपा के विनय विश्व, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और अन्य विपक्षी नेता शामिल रहे। इससे पहले खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठकर विपक्षी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि वो किसानों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेताओं की बैठक में ये भी तय किया गया कि पेगासस जासूसी मामला और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को आगे भी घेरा जाता रहेगा, जैसे पिछले कई दिनों से घेरा जा रहा है। पेगासस, कृषि कानून और अन्य कुछ मुद्दों को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में शुरू से ही दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से यह सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित होती रही है। देश की संसद को भारतीय जनता पार्टी ने अपना दरबार बनाने की कोशिश की है। देश के प्रधानमंत्री भारत की सर्वोच्च संस्था संसद को अपना राजदरबार बनाना चाहते हैं और विपक्ष को चाहते हैं कि वो उनके दरबारी बन जाएं। क्या विपक्ष जनता की आवाज ना उठाए, महंगाई के मुद्दे पर सवाल ना करे? आप देश के लोगों की ताक झांक कर रहे हैं, देश की बहु बेटियों की ताक झांक कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रही। अगर इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पर जवाब दे। महंगाई को लेकर पूरे देश में हाहाकार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से किसान की जो फसल की लागत है वो बढ़ चुकी है, लेकिन सरकार इन सब विषयों पर चर्चा ही नहीं करना चाहती और आप विपक्ष को दोषारोपण करते हैं संसद न चलने को देने को लेकर। जनता के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अगर सरकार को जनता ने चुना है तो विपक्ष में बैठे सांसदों को भी जनता ने चुना है, और उन विपक्ष के नेताओं की श्री राहुल गांधी जी ने पूरी मजबूती से जनता की आवाज को संसद में उठाया है, चाहे वो जासूसी का प्रकरण हो, महंगाई का मुद्दा हो, या देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो। सरकार को विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है संसद के अंदर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी से उत्तर प्रदेश की जनता की नाराजगी देखकर लगता है कि उनकी पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीटें हासिल करेंगी। सपा अध्यक्ष ने दावा किया है कि सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। अभी तक हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच है, हो सकता है हम 400 सीटें जीत जाएं। आज तो स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के पास प्रत्याशी कम पड़ जाएंगे, प्रत्याशी टिकट ही नहीं मांगेंगे। यादव के 400 सीटें जीतने के दावे पर योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 400 का सपना देख रहे सपा नेता के सामने चुनाव में 40 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है। तो आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था। समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे, अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पिछले रविवार को मिर्जापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में दावा किया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 2017 के चुनावी घोषणा पत्र के सभी वादे पूरे किए हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र खोलकर देखा तक नहीं है। बीजेपी पर राजनीति की जनसेवा नहीं बल्कि कारोबार का जरिया बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मनीफेस्टो बनाते हैं, उनके लिए राजनीति व्यापार है। विपक्ष के डीएनए पर सवाल उठा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा है कि योगी जी ना जाने किस बायोलॉजिस्ट से मिले हैं,
लेकिन उन्हें डीएनए का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम होगा। अखिलेश ने बीजेपी पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र में पहला वादा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का था, लेकिन मौजूदा सरकार को ये भी नहीं पता होगा कि किसानों की आय क्या है। वहीं अगर बात की जाए बीएसपी सुप्रीमो की, तो मायावती ने समाजवाद के प्रणेता ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर गुरुवार को साइकिल यात्रा निकाल रही सपा पर निशाना साध दिया था। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, दिवंगत ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित। उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बसपा सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बनाया, मगर सपा सरकार ने जातिवाद सोच और द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरह बदल दिया। ये कैसा सम्मान है। उधर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी कहा है कि अखिलेश यादव पिछले 4 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इस दौरान वो कभी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर नजर नहीं आए। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख उन्होंने सक्रियता दिखाई, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि गुंडों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का गैंग चलाने वाले अखिलेश यादव के मुंह से कानून व्यवस्था और न्याय की बात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि किसानों को तबाह करने वाले अखिलेश को किसानों की खुशहाली और कृषि विकास को देखना चाहिए। योगी सरकार ने 4 साल में किसान, नौजवान, मजदूरों और ग्रामीणों की किस्मत बदलने का काम किया है। जिन गन्ना किसानों का पैसा अखिलेश सरकार नहीं दे पाई थी वो भी योगी सरकार ने किसानों को दिया है। सपा की साइकिल यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि राज्य के लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 4 सालों में उनके मुद्दे के लिए संघर्ष किया। हम जनता के मुद्दों पर सड़कों पर थे। सपा मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वो कांग्रेस ही है जो हर मौके पर लोगों के साथ खड़ी रही है। तो ये हो रहा है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, वार पलटवार हो रहा है, अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश हो रही है, साथ ही साथ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी बखूबी यहां पर की जा रही है। समाजवादी पार्टी के 400 सीटों का दावा बहुत ही हास्यास्पद लगता है, क्योंकि 400 सीटों का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी 4.5 सालों से अपने घरों में दुबक कर बैठी हुई है और अब पंचर साइकिल लेकर अखिलेश यादव जी सड़क पर निकले हैं। अच्छी बात है, ये निकलना चाहिए था उनको 2020 के कोरोना में, 2021 के कोरोना में। इतने दिनों तक तो वो अपने घर में रहे कार्यकर्ताओं के साथ, कहीं सड़क पर नहीं दिखे। सड़क पर दिखने वाले लोगों में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपने नेता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सड़क दिखाई दिए, जो गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, हर सबके लिए खड़े मिले और अपनी शहादत तक दी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न जात की राजनीति करती है न धर्म की राजनीति करती है, उसके बावजूद भी हम लोग सबके दरवाजे पर राशन लेकर, विकास की चीजों को लेकर हम पहुंचे हैं। सड़कों का जाल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिछाया है। उत्तर प्रदेश इस समय एक व्यावसायिक हब बनता जा रहा है। जितने हम लोगों ने बाहर की कंपनियों का जो साइन किया था, हम लोगों ने व्यापारिक समझौते साइन किए थे, उसमें काफी हद तक प्रतिष्ठान लग चुके हैं, फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। पूरे देश में बनने वाले मोबाइल का 54% से ऊपर सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहा है। बाराबंकी में देखिए, ब्रिटानिया ने 300 करोड़ का एक फैक्ट्री लगाया। हमने 6.5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी दी, करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया एमएसएमई में और स्टार्टअप में, तथा मनरेगा में श्रमिकों को स्किल मैपिंग करके हमने रोजगार देने का काम किया है। तो चतुर्दिक विकास माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के आशीर्वचन से उत्तर प्रदेश में चालू हुए हैं और आज रोज देखिए कुछ न कुछ उद्घाटन ही हो रहा है। शिलान्यास तो 4.5 साल पहले से शुरू है हमारे यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और सपा दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखे कि 400 सीट पा जाएगी, वो 40 पा जाए यही बहुत है। देश इस वक्त गर्व से भरा हुआ है, ये खबर आपके लिए है और इस पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये गर्व की बात है। लेकिन देश में चिंता की बात यह है कि हाल ही में कुछ डाटा, या ये कहें कि कुछ सर्च किया गया और कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद देश में कुछ लोग, पीवी सिंधु, घर घर में इनका नाम जाने लगा है, बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। पीवी सिंधु के खेल से
कहीं ज्यादा उनकी जाति सर्च करने में लगे हुए थे। जी हाँ, ये सच है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर ये बात यहाँ रखी गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग उनकी मेहनत और खेल के प्रति उनके समर्पण के बारे में चर्चा करने से ज्यादा ये जानने के इच्छुक हैं कि वो किस जाति से हैं। चिंता की बात है कि ये किसी एक खिलाड़ी के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि सूची में कई नाम ऐसे हैं खिलाड़ियों के जो सामने आए हैं। वैसे देश की राजनीति में जातिवाद का जहर किसी से छिपा नहीं है। सबको पता है 2022 को लेकर क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में और किस तरह का जातिवाद कार्ड खेला जा रहा है, ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। चाहे वो सपा का कार्ड हो या फिर बसपा का ब्राह्मण कार्ड हो या फिर बीजेपी का कार्ड हो, सभी जातिवाद की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन जब बात आती है चुनाव की तो ये किसी से छिपा नहीं है कि ये जहर अब भी है। लेकिन ये अगर खेलों में जाए तो कैसा लगेगा, और अगर ये शुरू भी हो जाए तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जब भी खिलाड़ी अपने बेहतर खेल प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाते हैं, चाहे विदेशों में जाकर या देश में रहकर, तो फिर कुछ लोग उनके प्रदर्शन की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चर्चा ना करके उनकी जाति जानने में दिलचस्पी ज्यादा लेने लगते हैं और फिर उसे बढ़ावा देते हैं, फिर उन खबरों को फॉरवर्ड करते हैं। जब खिलाड़ी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे होते हैं तब कोई उनकी जाति नहीं पूछता, मजहब नहीं पूछता, ये जानने में दिलचस्पी नहीं रखता और ना ही कोई सुद लेता है। लेकिन जैसे ही वो पदक जीतते हैं तो फिर अचानक उनको जाति धर्म के सांचे में बांटने की फितरत जन्म लेती है और सब कोई ये ढूंढने में लगे रहते हैं कि ये मेरी जाति का है, इसने कहां से जीता है ये मेरी जाति का है, इसने गोल्ड जीता है ये मेरी जाति का है। ये चीजें भारत में होती है। क्या जातियों में बांटकर हम खेलों में शीर्ष पर पहुंच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सबक दे रहे हैं, हम आने वाले बच्चों को जिन्हें हम प्रेरित करते हैं दिखाकर कि पीवी सिंधु जैसे बनिए, साइना नेहवाल जैसे बनिए, सानिया मिर्जा जैसे बनिए, या ये कहें कि तमाम जो खिलाड़ी उनके जैसे बनिए, क्या हम ये दिखाएंगे? आखिर ये जाति जाति क्यों नहीं है? वैसे तो हम नारा बुलंद करते हैं संप्रभु भारत का, फिर बीच में जाति धर्म और राज्य कहां से आ जाते हैं, ना जाने कहां से घुस जाते हैं। क्या इन खिलाड़ियों की विदेश में पहचान उनके राज्य से होती है? नहीं ना। तो फिर ऐसी ओछी मानसिकता क्यों है? क्यों आप ये सोचते हैं कि आपकी जाति का है तो अच्छा मेडल लेकर आया है तो हम उसको प्रमोट करेंगे? क्यों? उन्होंने खेल जीता है, उनकी खेल की तारीफ करिए, जाति मत ढूंढिए। सच्चाई तो ये है कि हमारे देश में ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े और स्त्री पुरुष, बल्कि ये कहें कि हर जगह भेदभाव की कमी नहीं मिटने वाली। और ये लकीर है, और ये लकीर पत्थर की लकीर साबित होती है, क्योंकि ये लकीर मिटती ही नहीं, चाहे आप किसी भी तरीके से मिटाने की कोशिश कर लीजिए। इसकी जड़ें वर्तमान दौर में और गहरी होती जा रही हैं। तमाम दल अपने अपने सियासी लाभ के लिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और गाने गाए जाते हैं कि हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते, स्टेज से खड़े होकर भाषण दिए जाते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, लेकिन असल में होता क्या है ये किसी से छिपा नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं, तमाम जो दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं वो भी जानते हैं। हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार और कानूनी प्रावधान भी जातीय भेदभाव, उत्पीड़न और अन्याय को खत्म करने में बहुत सफल नहीं होते प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि देश की राजनीति को संचालित करने वाली कुछ शक्तियां ही नहीं चाहती कि देश में जातिवाद खत्म हो। दुख की बात है कि हाल के कुछ सालों में सियासत ने खेलों में भी जातियों की घुसपैठ करा दी है, जो बेहद खतरनाक है। हमें पता होना चाहिए कि खिलाड़ी सिर्फ एक खिलाड़ी होता है, वो अपनी मेहनत, लगन, संघर्ष और धूप में भी खेलता हुआ नजर आता है और अपने दम पर देश का मान बढ़ाता है। आज जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की इतनी सराहना हो रही है, क्यों हो रही है? इसलिए कि उसमें अलग अलग जाति के लोग हैं या इसलिए कि उन्होंने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है? महिलाएं जो कि सेमीफाइनल में जाके हार गईं, लेकिन उनका गौरव बढ़ा है, उनका उनके ऊपर गर्व हो रहा है, देश गर्व कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री गर्व कर रहे हैं, देश के तमाम राजनेता गर्व कर रहे हैं, आम व्यक्ति गर्व कर रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इसलिए नहीं कि वो ऊंची जाति की उसमें लड़कियां हैं या नीची जाति की हैं या अगड़ी जाति की हैं, पिछड़ी जाति की हैं। हमारे लिए तो देश का गौरव बढ़ाने वाले हर खिलाड़ी जाति धर्म से ऊपर होने चाहिए। हम खिलाड़ियों को खिलाड़ी ही रहने दें, वरना उनको जाति और धर्म के बंधन में बांधने लगेंगे तो जिस तरह से जातिवाद में फंसकर देश का विकास अवरुद्ध हो गया है, उसी तरह खेलों का विकास भी बाधित हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं। दुख की बात है कि हाल के कुछ सालों में सियासत ने खेलों में जातियों की घुसपैठ करा दी है। ये खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी तो सिर्फ खिलाड़ी होता है। ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है।
भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखने के फैसले का खेल जगत ने स्वागत किया। ध्यानचंद को महानतम हॉकी खिलाड़ी माना जाता है, या ये कहें कि हॉकी के इस जादूगर ने अपने 1926 से 1949 तक के करियर के दौरान 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक का शीर्ष खिताब हासिल किया था। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को देश का राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। इस फैसले की सराहना करते हुए पूर्व हॉकी कप्तान अजीत पाल सिंह ने कहा है कि पहचान देर से मिली लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा ये एक स्वागत योग्य कदम है, ये एक अच्छा फैसला है जो प्रधानमंत्री ने लिया है। खेल पुरस्कार हमेशा खिलाड़ियों के नाम पर होने चाहिए और ध्यानचंद जी से बड़ा देश में कोई खिलाड़ी ही नहीं है। ये मान्यता देर से मिली लेकिन कभी नहीं से बेहतर है कि देर से मिली। ओलंपिक कांस्य पदक मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने कहा है कि ध्यानचंद जी को सम्मान देना अच्छी बात है लेकिन ये देश के खेलों के स्तर को उठाने के लिए काफी नहीं। उन्होंने कहा कि इस कदम के खिलाफ कुछ भी नहीं है क्योंकि हम सभी ध्यानचंद जी के अपार योगदान का सम्मान करते हैं लेकिन सरकार को खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए इसे कुछ ज्यादा करना चाहिए। उन्हें बुनियादी स्तर पर सुविधाओं की जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं कर सकते केवल पुरस्कारों का नाम बदलने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक घोषणा की कि देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन के बाद इस सम्मान का नाम महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने का फैसला लिया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसकी सराहना की है और कहा कि मेजर ध्यानचंद जी ने अपने असाधारण खेल से विश्व पटल पर भारत को एक नई पहचान दी और अनगिनत खिलाड़ियों से प्रेरणा सूत्र बने। इसके साथ ही पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस कदम के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमेशा हमारे सच्चे नायकों का सम्मान करके और उन्हें पहचान देने के लिए हमारे देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर की बात करें जो कि क्रिकेटर से अब सांसद बन गए हैं, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ गौतम गंभीर की। उनका कहना है कि किसी नायक का नाम पुरस्कार को और प्रतिष्ठित बनाता है। वही ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी इस कदम के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस बड़े मौके पर और इस बड़े कदम पर कांग्रेस चुप बैठ जाती, ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि कांग्रेस का नाम राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है, राजीव गांधी का नाम कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत तो किया लेकिन कटाक्ष भी कर दिया है। तो आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, कांग्रेस की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। देखिए बहुत ऐतिहासिक है और ये चीज़ कई साल पहले होनी चाहिए थी। जब खेल रत्न अवार्ड शुरू हुए थे तभी खिलाड़ी के नाम होना चाहिए था और खेल रत्न अवार्ड अगर खिलाड़ी के नाम नहीं होगा तो किसके नाम होगा? और मोदी सरकार ने जो ये किया और इस वक्त पे किया जब हमारी भारतीय हॉकी टीम ने, मेंस हॉकी टीम ने, वुमेंस हॉकी टीम ने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है ओलंपिक्स में, तो इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती और मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश इससे खुश होगा। पूरे देश में कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जिसकी इतनी अचीवमेंट्स हुई हैं एंड आई एम श्योर आगे जाके आई होप कि उनको भारत रत्न भी मिले। आज आप देख रहे हैं जिस हमारा नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, उसके बावजूद जिस तरीके की अचीवमेंट ओलंपिक्स में की है भारतीय हॉकी टीम ने, महिलाओं या चाहे पुरुष हो, के बाद अगर ये खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम किया गया तो इससे पूरा देश इसका समर्थन करेगा, पूरा देश इससे खुश होगा और मुझे पूरा विश्वास है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वेलकम्स दैट द खेल रत्न पुरस्कार हैज बीन नेम्ड आफ्टर द वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स, द पर्सन नोन एज हॉकी का जादूगर, आवर सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन मेजर ध्यानचंद जी। We sincerely hope that Modi ji should not have used his myopic political motives to drag the name of a celebrated player like Major Dhyanchand. Rajiv Gandhi ji is not known for any puraskars. Rajiv Gandhi ji is known for his sacrifice, for his ideas, for his commitment to India, for his sacrifice for India and the manner in which Rajiv Gandhi ji transformed India into the 21st century. Just so that you know and Modi ji knows, there is already Sarvottam Khel Puraskar after Major Dhyanchand ji since 2002. We are happy that one more, that is the Khel Ratan Puraskar, has also been named after Major Dhyanchand. Modi ji, you cut the sports budget by 230 crores in an Olympic year, and now you are trying to be myopic
and also draw attention away from the core and fundamental issues of farmers, their problems, the agitating farmers, the farmers who have sacrificed themselves, the runaway inflation and the Pegasus spyware that Modi government has unleashed on the people of this country. We sincerely hope now that a new beginning has been made, Modi ji will announce changing the name of Narendra Modi Stadium and Arun Jaitley Stadium and name it after legendary sports persons like Sardar Milkha Singh, Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, Kapil Dev, Leander Pace, P.T. Usha, Mary Kom, Abhinav Bindra and many, many others. We sincerely hope that instead of being myopic and parochial, Modi ji will truly celebrate the success of our legendary sports persons. Thank you. और अब साथ की बात की आखिरी खबर का हम रुख करेंगे। ये खबर शिक्षा से जुड़ी है। जी हाँ, किसी रिजल्ट की, किसी पेपर की, किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं कर रही हूं मैं। एक तस्वीर सामने आई है, या ये कहें कि एक वीडियो सामने आया है, जो कि सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वाकई ये सच है या, क्योंकि अभी इसमें जांच होनी बाकी है, कुछ ऐसा नहीं निकलकर सामने आया है, इसमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, जांच पड़ताल जो भी है उसका भी कुछ अभी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये खबर बतानी जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने जिले के शिक्षा विभाग को हिलाकर रख दिया। इस वायरल वीडियो में एक महिला शिक्षा मित्र प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीट रही है। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूरा मामला इचवा तहसील के प्राथमिक विद्यालय अगरडीह का है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और आम लोगों में ये सवाल दौड़ने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महिला शिक्षा मित्र शिक्षक को दौड़ा दौड़ाकर चप्पलों से पीट रही है। ये सवाल हमारे मन में भी उठ रहा है और जाहिर है अगर आप देख रहे होंगे तो आपके मन में भी उठेगा। पूरे मामले की जानकारी जब ली गई तो शिक्षा मित्र द्वारा बताया गया कि आए दिन महिला शिक्षा मित्र के साथ छेड़छाड़ होती रहती थी। इसका विरोध करने पर उसके ऊपर गालियां, जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता था और नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती रही है। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, हम इस सेंटेंस की या ये कहें कि इस वाक्य की पूरी तरह से समर्थन नहीं करते हैं। वही महिला शिक्षा मित्र ने वायरल वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि उस दिन का मामला ये था कि सुबह 9 बजे आने के बाद उन्हें रजिस्टर लेकर बुलाया गया। जब महिला रजिस्टर लेकर अंदर गई तो उसका हाथ पकड़ लिया गया और प्रधानाध्यापक ने कहा तुम्हें रजिस्टर में साइन नहीं करने दूंगा। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके बाद प्रधानाध्यापक रजिस्टर फेंक कर गाली देते हुए बाहर निकल गए। गाली सुनने के बाद महिला ने प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। ये वजह बताई जा रही है। वह इस मामले की शिकायत के बारे में महिला ने बताया कि इसकी शिकायत बीएसए और शिक्षा मंत्री से की है। इस मामले में बीएसए द्वारा कहा गया है कि मामले में खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। वहीं शिक्षा विभाग में ऐसे मामलों के बारे में कहा है कि शिक्षा क्या किसी भी विभाग में ऐसे मामले नहीं होने चाहिए। फिलहाल अभी इंतजार है कि रिपोर्ट जब आएगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन अगर महिला की बातों में सच्चाई है तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि जहां एक महिला टीचर के साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है तो वहां पर क्या हमारी आपकी बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं अगर इस मामले में सच्चाई है तो। फिलहाल साथ की बात में इतना ही, कल फिर लौटेंगे साथ की बात में तमाम उन बड़े मुद्दों के साथ जिनका रिश्ता सीधे आपसे है।